हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैक्स शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपका घर काफ़ी ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री रखने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस बिल्कुल आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो इस तरह के बॉक्सेस हमारे पास अभी त्योहारों में काफ़ी आए हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो हम सभी के पास इस तरह के बॉक्सेस होते हैं और यूज़ करने के बाद हम इन सभी जो भी बॉक्सेस होते हैं उनको हम फेंक ही देते हैं। तो उसको हम कुछ कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये इस बॉक्स के अंदर जो भी सामान लगा हुआ था मैंने उसको हटा दिया और उसके अंदर एक सिंपल शीट लगा के उसको अच्छे से चिपका दिया। तो अभी हमारा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो इसके अंदर हम इस तरीके से अपने किचन की जो भी एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, इस तरह के पाउचेस वगैरह होते हैं, उनको इसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एक साथ ही हमारी अच्छे से स्टोर हो जाएगी। आप इसमें अपने मसालों के पाउच वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर इस तरीके के कुछ भी पाउचेस वगैरह होते हैं तो उनको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने किचन के जो भी टॉवल वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं इस तरह के बॉक्सेस के अंदर। तो अगर हम चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमें फालतू के ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर पर रखी हुई चीज़ों से हमारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो मेरे पास एक ये प्लास्टिक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसे मैं यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कुछ किसी तरीके से यूज़ किया जाए। तो इसकी लिड को सबसे पहले हटा दिया है मैंने, और अगर आपके पास में कोई इस तरीके का कुछ भी बॉक्स या फिर कुछ भी खुला ओपन टाइप का है तो और भी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 रबर बैंड का यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें इसमें रबर बैंड को लगा देना है, दोनों साइड से हमें रबर बैंड को बहुत अच्छे से लगाना है, दो इधर से लगाना है, दो उधर से लगाना है। अगर आपका बॉक्स बड़ा है तो आप यहाँ पर रबर बैंड को और भी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो एक हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है, अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं अपने, देखिए इस तरीके से आप इसके ऊपर साबुन यूज़ करके रख सकते हैं, जिससे कि साबुन का एक्स्ट्रा पानी या जो भी मतलब गीलापन होता है ना वो अच्छे से देखिए नीचे निकल जाएगा और साबुन आपका सूख जाएगा और साबुन आपका वेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बर्तनों के धोने के लिए जो भी आप साबुन यूज़ करते हैं ना, तो उस साबुन को यहाँ पे रख सकते हैं। और एक हमारा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया और हमारा साबुन भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारी पेपर क्लिप्स आते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने पेपर क्लिप को ही यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से पेपर क्लिप को लीजिए, और एक लेना है कोई भी मैग्नेट, इस तरीके का मैग्नेट ले लीजिए। जो पेपर हुक होता है ना उसको हल्का सा खोल दीजिए, हल्का सा खोलने के बाद में देखिए इस तरह से खोल दीजिए, और उसके बाद जो बीच का एरिया है ना वहाँ पर लगा दीजिए मैग्नेट, और इसको आप अपने फ्रिज के साइड में चिपका दीजिए या फिर अपनी अलमीरा वगैरह होते हैं ना आयरन के, उधर साइड में चिपका दीजिए। उससे होगा क्या कि एक हमारा जीरो कॉस्ट का जो हमारा देखिए ये हुक है बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसे किचन में लगा रही हूँ, और किचन में लगाने के बाद जो हमारी डायरी वगैरह होती है ना तो उसमें मैंने एक रबर बैंड लगा दिया है, और उसके बाद इसको इसमें यहाँ पे हैंग कर दिया है। आप चाहे तो इस तरह से यहाँ पे टॉवल को भी हैंग कर सकते हैं अपनी किचन में। तो बस एक यही चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करें ना, बस वो लाइट वेट की होनी चाहिए। आप अपनी किचन में हमेशा डायरी और पेन को रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको रखने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आपकी किचन में ना कुछ भी सामान खत्म हो जाता है या ख़त्म होने वाला होता है तो आप उसे तुरंत का तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो हमारे माइंड से निकल जाता है। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें चीज़ों को देखना पड़ता है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप जब भी अगर अपनी डायरी और पेन अपनी किचन में रखते हैं तो जैसे ही आपका कोई सामान खत्म होता है ना तो तुरंत का तुरंत आप उसे वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा और आपको बहुत ज़्यादा जब भी आप लिस्ट बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आइडिया आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी किचन में। तो कई बार हमारे बाथरूम एरिया में क्या होता है कि स्पेस काफ़ी कम होता है और हमें छोटा मोटा सामान रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेस कम होता है, जिस वजह से हम वहाँ पे सामानों को हैंग नहीं कर सकते, सामानों को रखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के जो बाइंडर क्लिप्स आते हैं ना आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी आपके फेस वॉश हो गए या जो भी कोई ट्यूब वगैरह इस तरह का होता है ना, तो उसके पीछे साइड में आप ये जो बाइंडर क्लिप्स होते हैं ना उनको लगा दीजिए, और उसके बाद में जो कमांड हुक आते हैं ना उनको लगा के आप वहाँ पर इनको हैंग कर दीजिए। तो इस तरह से करके आप अपने काफ़ी ट्यूब्स को हैंग कर सकते हैं, और कम जगह में भी आप अपना काफ़ी ढेर सारे सामान को वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। भले वहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है लेकिन फिर भी आपका सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा इन छोटे छोटे आइडियाज़ को फॉलो करने के बाद में। तो
कैबिनेट्स का डीप सेल्फ का जो होता है इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम आगे की बास्केट तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो हमारे पीछे साइड जो बास्केट रखे होते हैं ना उनका सामान निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले हमें आगे का सामान हटाना पड़ता है, देन उसके बाद आप पीछे की बास्केट या जो भी आपने रख रखा है वहाँ पे बॉक्स उसको निकालते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसे बचने के लिए देखिए हम ले सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का शॉपिंग बैग लेना है, आप कपड़े का भी ले सकते हैं और इस तरीके का भी आप कागज़ का भी ले सकते हैं। उसके अंदर एक डाल दीजिए हार्ड शीट डाल दीजिए उसके अंदर, या हार्ड जो कार्डबोर्ड आते हैं ना थोड़ा सा वो डाल दीजिए, जिससे आपको आगे पीछे करने में आसानी होगी। और इस तरीके से कैबिनेट के अंदर उसको लगा दीजिए, और उसके बाद जो आपके बॉक्सेज हैं या फिर आपके जो बास्केट वगैरह हैं देखिए उसको इस तरीके से अंदर रख दीजिए। अब आप जब भी हैंडल भी इसमें लगा होता है जिसकी वजह से हमें इजी होगा, देखिए जब भी हम इसको आगे खींचेंगे ना तो हमारे दोनों बैग एक साथ ही आएंगे, तो आपको पीछे के बास्केट से सामान निकालना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर बेड साइड टेबल नहीं है तो आप पुराना इस तरीके का फाइल होल्डर जो आते हैं ना उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना देखिए नाइट केयर जो रूटीन होता है ना उसके चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं, अपने पिंस डाल सकते हैं, अपने रबर बैंड डाल सकते हैं, और अगर चाहे तो आप इसके अंदर अपने मोबाइल भी रख सकते हैं, चार्जर भी रख सकते हैं। इस तरीके से रख के आप उसको साइड में हैंग कर दीजिए तो आपका ढेर सारा सामान इसके अंदर हैंग हो जाएगा और आपको बार बार उठ उठ के सामान को उठाना और रखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो बच्चों की पुरानी फाइल्स होती है ना उनको भी बहुत अच्छे से आपने यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बन जाइए इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।